नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे खास महल की जमीन को लेकर। बिहार सरकार ने खास महल की जमीन को लेकर अब सख्ती करने का फैसला कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री रामसूरत राय ने खास तौर पर कहा कि मूल लीज धारक के वंशजों का इस जमीन पर कब्जा कायम रहेगा, बाकी लोग बेदखल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग लीज की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। पहले चरण में पटना की खास महल की जमीन का सर्वे हो रहा है, जल्द ही राज्य के अन्य शहरों में सर्वे होगा। पटना सहित 12 जिलों के खास महल की जमीन है और इसका कुल रकबा 3700 एकड़ के करीब है। राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि वैसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है जिनके पुरखों के नाम से खास महल की लीज है। उनकी लीज नवीकृत होगी, यानी कि उन्हें एक बार फिर से रजिस्टर कराया जाएगा। इसमें परिवार के अन्य सदस्यों के दावों को भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन लीज की शर्त का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लीज रद्द की जा सकती है। लीज के प्रमुख शर्त यह है कि जमीन का सिर्फ आवासीय उपयोग होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा जमीन का व्यावसायिक या अन्य उपयोग नहीं होगा, जबकि बड़े पैमाने पर जमीन के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत आ रही है। लीज की जमीन बेचने का मामला भी सामने आया है। मंत्री ने कहा कि नाजायज तरीके से खास महल की जमीन खरीदने वाले बचेंगे नहीं, उन्हें बेदखल होना होगा। सर्वे में यह भी जांच हो रही है कि किसी आवासीय परिसर में लीज की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। आइए अब जान लेते हैं खास महल है क्या। बिहार की भू व्यवस्था ब्रिटिश शासनकाल में 3 प्रकार की थी। प्रदेश के बड़े भूभाग पर अस्थायी भूमि व्यवस्था लागू थी, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कुछ क्षेत्रों में भूमि का प्रबंधन अस्थायी रूप से कुछ निश्चित समय के लिए किया गया था, और कुछ ऐसी भूमि थी जिनका प्रबंधन सरकार की ओर से ऐसे किया गया था जैसे वह स्वयं उस जमीन का जमींदार हो। ऐसी भूमि को खास महल कहा जाता था। बड़े जमींदार के अतिरिक्त 2 प्रकार के काश्तकार होते थे, एक ऐसे किसान जिनका लगान अस्थायी रूप से निश्चित रहता था, और दूसरे जो कुछ समय के लिए जमीन पर अधिकार पाते थे। सन 1938 में बिहार में कृषि आयकर कानून बनाया गया, जिसके अधीन कृषि के होने वाले 5000 रुपये से अधिक वार्षिक आय पर आयकर लगाने की व्यवस्था की गई। सन 1950 में बिहार भूमि सुधार कानून बनाया गया। जिसके अधीन जमींदार का उन्मूलन कर दिया गया। सन 1953 में बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का स्वामित्व हो गया, और अब यहाँ किसान जोतदार के और सरकार के बीच में मध्यवर्ती नहीं रह गए। अब किसानों को जोतों की सुरक्षित कर दिया गया और उनका लगान भी निश्चित कर दिया गया। इसे अगर हम आसान भाषा में समझे तो ऐसी जमीन जो जमींदारी जाने के बाद सरकार की हो गई, वह सरकार ने उसका स्वामित्व ग्रहण करते हुए आवासीय या व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया, उसे खास महल की जमीन कहते हैं। तो यह थी खास महल की जमीन को लेकर जानकारी, जो कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार एक्शन में है, और जो जमीन को गलत तरीके से जिन्होंने इस्तेमाल किया है या उसे हड़प लिए हैं, उस पर सरकार अब नकेल कसने वाली है। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।